आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा और अर्चना करने का सिलसिला शुरू हो गया है। उज्जैन में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। यह अभिषेक दूध दही और भस्म से किया गया था, जिसके बाद भगवान शिव के कपाट खोले गए। सावन की पहली सोमवारी पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्त सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में सावन सोमवार की पहली भस्म आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुँचे। आधी रात 2:30 बजे ही मंदिर में भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें दूध दही घी शहद फूल इत्र आदि से भगवान का स्नान कराया गया। सावन के महीने का विशेष महत्व माना जाता है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मंदिर का हॉल पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ था। सावन का पहला सोमवार कृष्ण पक्ष तिथि तृतीय में शुरू हुआ। मान्यता है कि सावन में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पूजन अभिषेक करते हैं तो भोले उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा महाकाल श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया के दिन भगवान महाकाल का आज पहला सोमवार है। पहले सोमवार के दिन भोलेनाथ परमपिता परमात्मा के दरबार के अंदर भगवान महादेव के प्रातः काल पट खुलने से लगाकर पूजन आरती तक भगवान की पूरी संपूर्ण विधि विधान के साथ आज संपन्न हुई है। लाखों दर्शनार्थी भगवान महाकाल के आज दर्शन दिन भर के अंदर करेंगे। आज भस्म आरती के अंदर बाबा महाकाल को भक्तों ने जल चढ़ाकर और पुजारी परिवार ने भगवान शिव की पंचामृत महापूजा कर आरती पूजन कर राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना के साथ में यह महापर्व प्रारंभ हो चुका है। जय महाकाल। कुल मिलाकर पूरा श्रावण मास जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, पर इसमें सोमवार का विशेष महत्व है और महाकाल के दर्शन से जीवन में सुख शांति की बरसात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।